एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, हम बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करेंगे और क्यों आप यहाँ पे जैसे कर्व देख रहे हैं तो कुछ एलिमेंट क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट शो कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में एंड तक आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एंड तक आप बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है अपने आप में, कॉम्पिटिशन एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे अगर मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करूं, ये बोर्ड एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कॉम्पिटिशन पॉइंट उससे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले बात मैं करूंगा मेटेलिक क्रिस्टल, दैट इज मेटेलिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की बात करूंगा। तो मेटेलिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं या और भी जितने मेटल हैं हमारे, तो मेटल क्या करते हैं जनरली स्टूडेंट याद रखना, ये क्रिस्टलाइन नेचर शो करते हैं। अब क्रिस्टलाइन नेचर क्या होता है, कई स्टूडेंट सोचेंगे सर हमें क्रिस्टलाइन नेचर क्या होता है, पहले तो यही समझिए। तो क्रिस्टल लाइन नेचर का मतलब होता है स्टूडेंट जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे मेटल की बात करें तो मेटल में हम कहेंगे आयरन, जैसे मान लो आयरन का एक मैंने मेटल का पीस लिया, तो उसमें जो आयरन के एटम हैं उनकी पोजीशंस कहां पर है, यानी कि जब क्रिस्टल लाइन जो स्ट्रक्चर होते हैं दे शो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट इज एटम आयन एंड मोलिक्यूल्स। अब क्योंकि यहाँ पे मेटल की बात करें तो यहाँ पे एटम आएगा, जैसे आयरन की बात करूं तो आयरन के जो एटम है उनकी पोजीशन कहाँ है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, उसके बेस पर ये सारे जो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट थर्ड ट्रांजिशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बना रखी है, तो इनकी अंदर कौन सी ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट। तो जिन स्टूडेंट ने सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है उनको तो ये बात क्लियर है, मगर जिन्होंने नहीं कर रखा अभी, क्योंकि पिछले साल की अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया था, मगर इस साल फिर ऐड किया गया, मगर अभी डाउटफुल है कि उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये थोड़े दिनों बाद सीबीएसई डिक्लेयर करेगी। फिर भी मैं आपको ये टॉपिक तो आपको करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम बात करें, मैं यहाँ पे कुछ बात करने वाला हूं एससीपी, सीसीपी और बीसीसी, ये तीन टाइप के स्ट्रक्चर हमारे जो ये मेटल हैं ये शो करते हैं। अब कई स्टूडेंट्स को ऐसा पहले इनके मीनिंग क्लियर होने चाहिए, तो एससीपी क्या होता है स्टूडेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट क्या होता है मैं भी आपको डिटेल में समझाता हूँ। सीसीपी का एक दूसरा नाम जो हम बड़े इजीली हमें याद हो जाता है उसे बोलते हैं एफसीसी। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और जब हम एफसीसी बोलते हैं स्टूडेंट तो इसका नाम हो जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और बीसीसी जो हमारा होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस टाइप के इनके स्ट्रक्चर है, मगर जब मैं बोल रहा हूँ एससीपी, सीसीपी, एफसीसी या बीसीसी, तो आपके माइंड में कोई पिक्चर बननी चाहिए, जिन स्टूडेंट ने सोलिड स्टेट का रखा है उनको तो क्लियर होगा, मगर जिन्होंने नहीं किया तो उन्हें क्लियर नहीं होगा, तो मैं उसको उनको भी ये क्लियर कर देता हूँ टॉपिक क्या होता है ये सारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जैसे कि अपने आप नाम से बता रहे हैं फेस सेंटर्ड, तो हम जनरली जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं स्टूडेंट उसको क्यूब की फॉर्म में लेकर चलते हैं। तो मान लो मेरे पास एक क्यूब है, ध्यान से समझिए इस टॉपिक को, सॉलिड स्टेट के अंदर भी आ जाता है, आपको दोनों चैप्टर में कंक्लूड हो जाएगा। तो क्यूब के अंदर स्टूडेंट ध्यान रखिए जो ये पॉइंट है एट, ये क्या कहलाते हैं कॉर्नर, और एक क्यूब मान लो एक कमरा है, क्यूब को मैं मान के चलू तो इसमें कितने फेस हैं, सिक्स फेसेस है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स क्या इसमें फेस हैं, और बॉडी का सेंटर क्या होगा यहाँ पे, अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सॉलिड स्टेट जब करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एफसीसी में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे लाई करते हैं, लाई एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर। तो कॉर्नर कहां पे है ये, तो जो मान लो कोई भी अगर मैं कह रहा हूं कि ये एफसीसी है, जैसे ये जितने भी हैं सारे सीसीपी अरेंजमेंट शो करते हैं, मान लो मैं कोबाल्ट की बात करूं तो कोबाल्ट के जो एटम होंगे स्टूडेंट वो कहां पे लाई करेंगे, आपको याद रखना है कॉर्नर पे, और फेस सेंटर है फेस के सेंटर पे, कितने फेस बोले मैंने, 6 1 2 3 4। अब ये चार तो बड़े आराम से दिखाई, एक ये होता है स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एक ये फ्रंट में पड़ा हुआ है,
और एक ये जो वाला फेस है वो बैक में पड़ा हुआ था, उनके अगर सेंटर हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम दिखाते हैं इस तरह। तो जब आपको एफसीसी आ जाए या सीसीपी आ जाए, ये तो क्या है हमारा एफसीसी। अब इसी कॉर्नर को, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं इस तरह खींच के ऐसे बना दूं तो यही स्ट्रक्चर अरेंजमेंट शो कर लेता है सीसीपी। मैं यहां पे काफी डिटेल में नहीं जा रहा, तब हम इसे बोलते हैं एबीसी, एबीसी अरेंजमेंट शो करता है, ठीक है। बाकी सॉलिस्टेट में काफी डिटेल में और मैं बात करूंगा, फिलहाल के लिए आपके माइंड में पिक्चर आ जानी चाहिए जब मैं कहूँ सीसीपी अरेंजमेंट है या एफसीसी है तो आपके दिमाग में आना चाहिए जो एटम है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो कहां पे लाई करने हैं, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। अब हम बात करते हैं सर बीसीसी। बीसीसी सिंपल है, बीसीसी क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो यानी एक मेरे पास मान लो ये क्यूब है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्टूडेंट कहां लाई करेंगे, तो बड़ा आसान सी बात है, कहां लाई करेंगे, कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर पे। तो जब भी आपके माइंड में बीसीसी आए तो आपके माइंड में पिक्चर आ जाने की यार इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या करेगा, शो करेगा। और नेक्स्ट है हमारा एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर लेंथ है मैं कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तीन लाइनें लेंगे, बनाने का तरीका सीख लीजिए। इधर एक स्मॉल और इधर हम थोड़ी सी बड़ी लेंगे, अब इधर बड़ी और इधर स्मॉल लेंगे, बनाने का थोड़ा टेक्निक सीख लीजिए। आपके पास तीन लाइन होती है कॉपी में, बड़ा इजीली बनता है, ऐसे बना लीजिए। इसी तरह तीन लाइन नीचे कोई ले लीजिए आप, ठीक है। अब वहां से आपने क्या करना है, बीच वाले को एक लाइन यहां से लीजिए, अप वाले को उससे एक ऊपर लाइन और उससे नीचे वाले को एक उससे नीचे लाइन, ठीक है। इसी तरह यहां पे स्टूडेंट बीच वाले को बीच वाली लाइन से, डाउन वाले को डाउन वाले से और अप वाले को अप वाले से। अब इनको मिला लीजिए, ये कुछ गड़बड़ कर दी, बीच वाले को डाउन वाले को डाउन से, ये अब इन्हें मिला लीजिए स्टूडेंट, ये बीच वाला ना, ये चीज ये आपका स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट। और अगर मैं इनको मिलाता हूं, ध्यान से देखिए, ये और ये जो पॉइंट है मेरा स्टूडेंट, ये क्या हो गया इसका सेंटर। इसी तरह यहां पे देखिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, दोबारा बना लेते हैं। ये ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट एफसीसी में क्या है, एससीपी में क्या करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो कॉर्नर, अब एससीपी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें कॉर्नर एक पॉइंट में सिक्स है, ये कॉर्नर, ठीक है ना। फिर यहां पे एक सेंटर, यहां पे एक एटम, ठीक है, एक यहां पे, ये हमारे में। और बीच में कहां लाई करते हैं, यहां पे एक हम ट्रायंगल बना देंगे एक तरह से, ये। और इसका जो अरेंजमेंट होता है ए बी ए, जैसे मैंने भी एफसीसी में बात, सीसीपी में बात की थी, एबीसी एबीसी टाइप अरेंजमेंट होता है। एससीपी में क्या होता है, एबीएबी टाइप अरेंजमेंट होता है। तो ये हमने पूरा आपका स्ट्रक्चर मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये एससीपी अरेंजमेंट जैसे ही मैं बोलूं तो आपके दिमाग में ये डायग्राम आ जाना चाहिए। बाकी जब हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो मैं इसकी पैकिंग फ्रैक्शन की भी बात करूंगा और काफी डिटेल में जाऊंगा, मगर क्योंकि आपको स्ट्रक्चर डीप लोग में तो बनाने नहीं है, मगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है एफसीसी सीसीपी जब मैं बात कर रहा हूं, तो वो चीज मैंने आपको क्लियर करने के लिए खाली यहाँ पे ये थोड़ा सा रफली आइडिया दिया। डिटेल में हम सॉलिड स्टेट के अंदर बात करेंगे। तो अब आपके माइंड में सारे पिक्चर क्लियर हैं कि एफसीसी क्या है, सीसीपी क्या है, ठीक है। अब हम कैसे याद रखेंगे इतने सारे एलिमेंट में कौन सा क्या करेगा, तो मैंने थोड़ा सा कलर डिफरेंट डिफरेंट कर रखे हैं ताकि आपको याद इजीली हो जाए। और ये टेक्निक आप लगा सकते हैं याद रखने के लिए कि जितने भी हमारे ये एलिमेंट हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या करते हैं एससीपी और बीसीसी अरेंजमेंट शो करते हैं। बिल्कुल आसान सी टेक्निक आपको सिखा रहा हूं मैं। तो जितने भी ये दोनों के फर्स्ट दो जो समझ लो ग्रुप हैं, इनके एलिमेंट क्या करते हैं एससीपी और बीसीसी। अब ये क्या है तुम्हारे, आप लोग माइंड में पिक्चर बन रहा होगा एससीपी, एक लेंथेनम जो है ना स्टूडेंट, वो थोड़ा सा हटके यहाँ पे सीसीपी भी अरेंजमेंट शो करता है। उसके बाद अगर हम चलते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं जिनको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, यानी अगले दो ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, ये बीसीसी अरेंजमेंट शो करते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या करते हैं,
बीसीसी अरेंजमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट की बात करें स्टूडेंट, ये सारे के सारे एससीपी अरेंजमेंट शो करते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ये तीन मैंने ब्लैक में लिखा के तीन अगले जो ग्रुप हैं स्टूडेंट, ये सारे के सारे सीसीपी अरेंजमेंट शो करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में मेरा बच्चा ये वाला ग्रुप, इनमें इन दोनों की बात अगर करूं तो ये एससीपी अरेंजमेंट शो करते हैं। और थोड़ा सा एक एक्सेप्शन बात भी है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और उससे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे मैंगनीज, ये क्या करते हैं, टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर भी शो करते हैं, टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर, यानी इनके स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू अदर। तो इस तरह से स्टूडेंट कंपटीशन में आता है, इनमें से कोई ना कोई आपको क्या कर देंगे, कोई मेटल दे देंगे, कहेंगे इस मेटल के अंदर कौन सा अरेंजमेंट है, नीचे चार ऑप्शन बना देंगे, सीसीसी, सीसीपी, बीसीसी, एससीपी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आपको यहां से याद रख सकते हैं। मैंने आपको बड़े सिंपल वे में एक्सप्लेन किया, ट्रिक समझाई है, बिल्कुल आसान से, दो ग्रुप अगले एससीपी और सीसीपी और बीसीसी, केवल एंथेनम जो है तीनों टाइप के अरेंजमेंट शो करता है, ये सारे बीसीसी, एससीपी, सीसीपी और एससीपी। तो इस तरह से स्टूडेंट आप याद कर सकते हैं मेटालिक स्ट्रक्चर, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर अरेंजमेंट शो करते हैं, इसलिए जो मेटल्स होते हैं इनका जनरली क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे शो डक्टाइल, दे आर डक्टाइल, मेलिएबल, दे शो लश्चर। अब ये सब प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, अगर उसकी बात करें तो स्टूडेंट यहां पे फिर हमारे पे न्यू कॉन्सेप्ट आता है मेटालिक बॉन्डिंग। अगर वन वर्ड इन सब क्वेश्चंस का जवाब मुझे देना है, कोई पूछे बाय ट्रांजिशन एलिमेंट शो लस्टर, तो आपका जवाब होगा ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग। अब जैसे ही हमने मेटालिक बॉन्डिंग वर्ड सुना तो हमारे माइंड में क्वेश्चन है, सर मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, तो जनरली वैसे सोचे मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, तो मेटल के अंदर जो एटम और एटम के बीच की बॉन्डिंग है उसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग। अब कैसे होती है मेटालिक बॉन्डिंग, तो इसके लिए थ्योरी आई क्या, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी के अकॉर्डिंग इस चीज को एक्सप्लेन किया गया कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है। चलो मैं आपको रफली फटाफट में इसको भी क्लियर कर देता हूं टॉपिक। अब ये अगर मैं एग्जाम पॉइंट से पूछूं तो कोई आपको मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, मगर आपको पता होना चाहिए कि मेटालिक बॉन्डिंग होता क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, कोई भी जो मेटल एटम होता है हमें पता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है। कोई अगर एक मेटल का पीस लेता हूं तो उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एटम है, और हर एक एटम का अपना क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं। और अगर हम जनरली बात करें तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे पार्टिसिपेट इन द मेटालिक बॉन्डिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, हर एक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 3D में अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको काफी मजा आता है स्ट्रक्चर को, अगर 3D में रिप्रेजेंटेशन हो, 2D में उतना ज्यादा क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स दिख रहे हैं, बट दे दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूवेबल, मगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं स्टूडेंट, मूव करते रहते हैं, ठीक है ना, ये फिक्स इनकी पोजिशन नहीं है। जैसे यहाँ पे तो फिक्स दिख रहे हैं, मगर ये सोच आपको माइंड में इमेजिनेशन करिए, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इस तरह मोशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। मगर जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जिसको हम न्यूक्लियस ले रहे हैं, जिसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हम मान के चलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कर्नल्स, क्या बोलते हैं इन्हें हम, कर्नल्स। और जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा हूं, कोई आपसे पूछे कि डिफाइन मेटालिक बॉन्डिंग, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मेटालिक बॉन्डिंग मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग। अब यहां से एक न्यू कॉन्सेप्ट उठ के आया कि सर मेटालिक बॉन्डिंग किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, तो मेटालिक बॉन्डिंग कई फैक्टर्स के ऊपर स्टूडेंट डिपेंड करती है, जैसे मैंने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की बात की इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, मगर जो हम बेसिकली मान के चलते हैं हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग, जो हमारी मेटालिक बॉन्डिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए स्टूडेंट कि अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर हार्डनेस या सॉफ्टनेस की बात करूं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटालिक बॉन्डिंग। अगर मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा है
मेटैलिक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस। बिल्कुल एक ही लाइन में मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा, ज्यादा आपको जो है बूझ या चक्र में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये बेसिक लाइन याद रखें कि हाइयर जब भी आ जाए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है ड्यू टू ग्रेटर मेटैलिक बॉन्डिंग, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है ड्यू टू लेस मेटैलिक बॉन्डिंग, इसके अंदर हार्डनेस ज्यादा, ये मेटल ज्यादा हार्ड है। क्वेश्चन आता है टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर हार्डेस्ट मेटल, वाई अपनी सीरीज में हार्ड है, क्यों है? ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे हैव स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर हार्ड इन नेचर। फिर क्वेश्चन आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट है, या ये क्वेश्चन आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, वाई? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप कहेंगे इनके कंप्लीटली फिल्ड है। अगर मैं जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बात करूं 3d10 4s2, कंप्लीटली फिल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके पास, तो जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होती है वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, और अगर वीक मेटेलिक बॉन्डिंग है तो ये क्या होंगे सॉफ्ट होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा। तो आपको कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे मेमोराइजेशन दो पॉइंट की करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ आपको छोटी सी बात क्या करनी पड़ेगी मेमोराइज करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी उसका लॉजिक देता हूं मैं आपको। तो पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आप पहले ही कर चुके हैं, जैसे 3d1 4s2 है, इसकी बात करें 3d2 3d3 3d5 3d5 3d6 3d7 3d8 3d10, और फिर लास्ट में भी क्या है 3d10 4s2, एस को नहीं लेके चल रहा हूं। तो अगर हम बात करें तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 1 2 3 5 5 4 3 2 0। अब आपके सर ये 3 2 0 कैसे हो गया, डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट 5, जब मैंने कहा 3d1 तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 5 तक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे ही मैंने कहा 6 इलेक्ट्रॉन है तो अभी हो गया अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 4, फिर 3 फिर 2 फिर 0, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें पहले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, इसी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है अप टू मिडल इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, जनरल ट्रेंड ये है, कोई एक्सेप्शन नहीं दिख रहा आपको। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट की मेल्टिंग पॉइंट मिडल तक तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। कोई कहेगा क्यों, तो आप कहेंगे बिकॉज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अप टू मिडल दैट्स व्हाई मेटैलिक बॉन्डिंग इंक्रीजेस एंड दस मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस देयरफॉर मेटैलिक बॉन्डिंग डिक्रीजेस एंड देयर इज अ डिक्रीज इन मेटैलिक मेल्टिंग पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर हम यहां पे देखें जो मैं आपको कह रहा था आपको मेमोराइज करने हैं ये दो पॉइंट आपको मेमोराइज करने हैं, यहाँ पे ट्रेंड को तोड़ रहे हैं, जनरली ट्रेंड वही हो रहा है, अगर यहां से टेक्निटियम थोड़ा ऊपर होता तो वही सेम पैटर्न चल रहा है, इसी तरह मैंगनीज को यहां होना चाहिए था, अगर यहां होता सेम पैटर्न चल रहा है, यहां पे आके इसने ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। अब यहां मैंगनीज को जो टेक्निटियम है स्टूडेंट दे शो एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट, ये एबनॉर्मली क्या करते हैं स्टूडेंट लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। अब इसके अगर मैं रीजन की बात करूं तो अभी तक इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलता है स्टूडेंट, प्रोबेबली कहा जाता है, प्रोबेबली ये कहा जाता है, मगर आई एम आल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एग्जाम एक्सप्लेनेशन, मगर जो बुक में है वो मैं आपको बता देता हूं, मगर अभी इसके ऊपर ये मैं कहूं कि इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। कई बुक्स में क्या लिखा होता है ड्यू टू अभी मैंने टिपिकल मेटैलिक स्ट्रक्चर की बात की कि इनका जो मेटैलिक स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लो, एक रीजन ये कहा जाता है। सेकंड रीजन ये कहा जाता है कि अगर हम मैंगनीज की बात करें तो ये 3d5 4s2 दोनों ही कंप्लीटली फील्ड है, ये हाफ फील्ड है 3d5 4s2 फील्ड है, तो ये इसकी क्या होती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होने की वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन है दे आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस एंड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मेटैलिक बॉन्डिंग सो इजिली इन कंपैरिजन टू अदर, देयरफॉर दे शो एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और थर्ड एक एक्सप्लेनेशन और अलग अलग बुक्स में दिया हुआ है, थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या गिवन है इसका कि जो ये मैंगनीज और टेक्निटियम है जैसे मेटैलिक बॉन्डिंग की बात करते हैं दे आर आल्सो डिपेंड अपॉन द एंथोल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो इनकी एंथोल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होती है जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है
लो होता है, मगर बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो अभी तक इसका मेरे को तो कहीं मिला नहीं, और मैंने काफी बुक स्टडी कर ली है तो यही एक्सप्लेनेशन गिवन है, बट अभी भी हम इसको प्रोबेबली वर्ड कहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मानते। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट, अब मैंने यहां पर एक वर्ड और इस्तेमाल किया है, एंथोल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कि एंथोल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? तो स्टूडेंट एंथोल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग के ऊपर। यानी कोई मेटल आइटम है आपका, उसको जैसे मान लो मेरे पास आयरन का एक पीस है, उधर बहुत सारे आइटम है, तो उसके एटमाइजेशन एटम में जब हम उसको उसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग को जो ब्रेक करके एक एटम में कन्वर्ट करते हैं, तो उस टाइम जो एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं एंथोल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट का अगर हम बात करें तो एंथोल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे शो मेटालिक बॉन्डिंग एंड दे हैव हाई एंथोल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में बार बार आया भी है, व्हाई एंथोल्पी ऑफ एटमाइजेशन जनरली हाई ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन। जनरली वर्ड में क्या रहता है, एक्सेप्शन खत्म हो जाते हैं। जैसे जिंक की बात करें, जिंक सॉफ्ट है, उसके एंथोल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होगी, मगर जनरल ट्रेंड में क्या है, तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे शो मेटालिक बॉन्डिंग एंड दस दे हैव हाई एंथोल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट मैंने डिस्कस किए, एंथोल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात की, मेल्टिंग पॉइंट की बात की, मेटालिक स्ट्रक्चर्स की बात की। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर है वो सब्सक्राइब करें और इस सीरीज के साथ जुड़े रहें। इससे पहले मैं 3 लेक्चर और भी दे चुका हूं। अगली वीडियो में बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।